जाऊंगा। सर दोबारा आए तो देखे हमारी मशीन खनन पे डंपर लोडिंग कर रही है। तब सर हमने मीडिया को फोन किया कि सर ये कौन सा नियम है, सीज गाड़ियों से खाने के बगल में ही खनन करवाया जाता है और मट्टी बेची जाती है, पुलिस दरोगा देखते हैं सर मट्टी है, और अगर मंदिर पे गाड़ी खड़ी हो, रोड पे गाड़ी खड़ी हो, सीज कर देते हैं उसको, सीज करके या अपने थाने में यूज करवाते हैं, यहाँ खनन करवाते हैं सर। ये नियम है सर थाने का। सर गाड़ी रिलीज के लिए कोई पैसे भी मांगे थे क्या? पैसे सर 1500 रुपया सर बता रहे हैं मांगे दूसरे ड्राइवर से सर, हमसे पैसा नहीं मांगे सर। सत्रिक थाना के अंतर्गत एक मैटर ऐसा आया है कि सीज वाहनों से पुलिस वाले बाकायदा खनन कराते हैं रात में, और उसकी मिट्टी थाने में तो एक ट्रक डालते हैं, उसके बाद 2 ट्रक बाहर बेचते हैं। क्या कार्रवाई करेंगे जिला प्रशासन की तरफ? ये मामला आप लोगों के माध्यम से यदि संज्ञान में आया है, इसकी किसी सक्षम अधिकारी से जाँच कराई जाएगी, उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। हम खड़े हैं सथरिक कोतवाली बाराबंकी पर। यहाँ पर अवैध खनन बाकायदा पुलिस करा रही है। एक तरफ जहाँ SDM लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं अवैध खनन रोकने की, वहीं जो गाड़ी सीज की गई थी, ये मेरे पीछे आप JCB देख सकते हैं, ये 20 दिन पहले सीज की गई थी, लेकिन इस पे 20 दिन से इसी से खनन लगातार पुलिस की तरफ से जारी था। यहाँ पर जब जो है सीज गाड़ी के मालिक यहाँ पर आए, उनका साफ आरोप है कि GPRS ये बता रहा है कि रोज इससे खनन लगातार पुलिस द्वारा कराया गया है। यहाँ पर ये भी आरोप है कि गाड़ी रिलीजिंग के नाम पर यहाँ पर बाकायदा दीवान ने 1500 रुपए की मांग भी की। अभी ETB की टीम ने बाकायदा जहाँ से खनन किया जा रहा था वहाँ पर रिकॉर्ड किया है कि ये गाड़ी जो थी खनन बाकायदा करा रही थी। पुलिस कह रही है, हालांकि स्वीकार कर रही है पुलिस, कि आज यहां पर थाने में ही मिट्टी डलवाई जा रही थी। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी जी ये कहते हैं कि हम खनन पर बिल्कुल रोक है, लेकिन जब पुलिस ही खनन में लिप्त है तो भला कहां की रोक है। बाराबंकी से ETV के लिए अखिल पांडे।